हाय गाइस, वेलकम आप सभी का एक नए व्लॉग में। और बहुत ही क्रेजी व्लॉग है यार। फ्रूट शॉप यहाँ पे, और फ्रूट शॉप पे दूध पी रहे हैं कर्टसी अभिषेक भाई, अमूल दूध का खरीदार भी। इसने गर्मी है काफ़ी, ठंडा ठंडा दूध है, और इसने मुझे भी एक गिलास दूध दिया यार। तो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन हम लोग ट्राई कर रहे हैं आजकल। खैर, आज काफ़ी हैपनिंग डे था यार, और आज अपने इस सेमेस्टर का सेकेंड लास्ट क्लास था, तो इसके बाद सिर्फ एक ही क्लास बची है, क्लास एक, और बस 10 दिन में ग्रेजुएट हो जाएंगे। हाँ, मतलब फाइनल एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। अबे हो रहे और वेल्फी भी है। वेल्फी मतलब वेलिडेक्टरी फंक्शन होता है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। अभी जैसे उसका कार्ड मिला है, वो भी आपको दिखाता हूँ, पहले ये दूध पी लेता हूँ, ठीक है। तो यार, ये रहा अपना वेलिडेक्टरी फंक्शन का इन्विटेशन। डियर सीनियर, वी कॉर्डियली इन्वाइट यू टू द डिपार्टमेंट वेलिडेक्टरी फंक्शन। द थीम फॉर द नाइट इज बॉलीवुड, एंड दिल चाहता है टू सी यू देयर इन योर ड्रेस्ड अप बेस्ट, बिकॉज पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डेट 17 अप्रैल, टाइम 7 PM, वेन्यू LH 101। कभी अलविदा ना कहना, और ये छिछोरे वाली पिक्चर्स, लूजर्स वाली। यार अभिषेक, तेरे को ऐसा नहीं लगता कि भाई अभी कुछ दिन पहले ही कॉलेज आया था, 2 दिन पहले, और अभी ख़त्म भी होने वाला है? बिल्कुल पता ही नहीं चला 4 साल कैसे निकल गए भाई, बहुत क्रेजी था। और खैर, वैसे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, देखो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है, एंड बचपन में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा था, एंड 10 साल पढ़ने के बाद केंद्रीय विद्यालय से निकल गया, एंड अभी पीछे यहाँ पे मेन गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हम लोग बाहर जाने वाले हैं भाई, हमेशा के लिए बाहर जाने वाले हैं कुछ दिन बाद, और कुछ दिन के बाद हमेशा के लिए बाहर जाने वाले हैं। यार काफ़ी क्रेजी सा मतलब लगता है यार, कि मतलब कुछ चीज़ें शुरू होती है, इतनी अच्छी जाती है, एंड देन यू हैव टू लीव दैट प्लेस। तो एक लाइन मैंने पढ़ा था, बहुत प्यारा लगा मुझे, कि पिंजरे में ऐसा लगता है कि एक पिंजरे में बंद है, और जब पिंजरे से आज़ादी मिलती है तो पिंजरे से प्यार हो जाता है। तो लाइक कैंपस कैसा लाइन, बहुत मस्त। तो यार मतलब कैंपस ऐसी जगह है यार, कि आप जाना भी चाहते हो बाहर, और जब बाहर चले जाते हो तो आपको उस जगह की याद भी आती है। मुंबई भी मिस करेंगे, मुंबई हैज इट्स ओन वाइब। कॉलेज लाइफ तो फिर विनीत ने पूरी दिखाई थी 4 साल में। तो अभी चलो, अभी बाहर जाते हैं हम लोग। बेसिकली बैडमिंटन रैकेट्स खरीदने जा रहे हैं, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो आपको बीच बीच में बताता रहूँगा मैं। तो यार मेन गेट के बाहर आ गए, और यार कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर दो अलग अलग दुनिया है। कैंपस के बाहर निकलते देखो यार, कितना ज़्यादा भीड़ है, एंड खैर यार मतलब कैंपस के बाहर अलग दुनिया, अंदर बहुत प्यारी दुनिया। सर बेसिकली बैडमिंटन रैकेट लेने आए थे हम, बट इतना कुछ पसंद तो नहीं आया, और एक और चीज़ थी कि ऑनलाइन से प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, 50%। तो बट जेन्युइनिटी की बात भी होती है, शॉप ऑनर्स ने भी वही बात बोली, बट यार आज के टाइम सही आता भाई, ऑनलाइन में भी सेम ही आएगा। हाँ, तो वही चीज़ है, तो मान नहीं रहा था बस डिस्काउंट करने के लिए। तो चलो देखते हैं, जो भी होता है आपको ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे आप, मोस्ट प्रॉब्ली ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले हैं ऐसा ये कह रहा है, तो देखते हैं, ठीक है। सर वापस कैंपस आ गए, एंड अभी जा रहे हैं लाइब्रेरी, थोड़ा सा काम करेंगे, एंड थोड़ा सा काम करते हैं, एंड देन फिर वापस मिलते हैं आपसे। सर अभी लाइब्रेरी के अंदर है, हम ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकते, बट एक स्पेशल इंसान मिला है भाई। ये देखो कौन है, काशी भाई, क्या कर रहे हो? राम राम भाई सारे। राम 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 राम, कर क्या रहे हो तुम यहाँ? मेरे पेपर आ गए तो पढ़ना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। इतना सीरियस क्यों हो तुम? मैं ऐसे सीरियसली बोलता हूँ ताकि लोगों को सरकेस्टिक लगे और वो हंस पड़े जैसे मैं हंस रहा हूँ। बिल्कुल, चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल भाई, और आपको भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जब जब आपको पढ़ना चाहिए आपको तब तब पढ़ें, और जब आपको मज़े करने चाहिए तब आप मज़े करें। बिल्कुल। सर लाइब्रेरी में काफ़ी देर काम करते करते थोड़ी सी भूख लगाई थी मुझे, नहीं अभिषेक को। तो ये देखो इसका स्नैक्स टाइम चल रहा है, चाय, और क्या क्या है, बड़ा पाव तो नहीं, सिर्फ बड़ा लिया है। एंड यार काफ़ी अच्छी जगह आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। चारों तरफ लाइब्रेरी है, जैसे देख रहे हो ये ऊपर वाली बिल्डिंग सारी लाइब्रेरी है, आप अंदर आराम से बैठ के पढ़ो, एंड देन अगर मान लो आपको पढ़ते पढ़ते भूख लगाई हो तो आराम से यहाँ पे बैठो दोस्तों के साथ, एंड देख सकते हो कितना स्वीट सा जगह है, बैठो खाना वाना खाओ मस्ती करो, तो अच्छा है। अभिषेक तुम तो रेगुलरली आते होगे? पहले ये नहीं हुआ करता था, 3 to 4 months पहले ये बना, एंड जब से, तो फिर अभी क्या होता था, पहले लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते थे तो फिर हॉस्टल जाना पड़ता था, तो अब तो ऐसा है सुबह आ जाओ देन मील वगैरह स्नैक्स यहाँ पर हो जाता। सही है यार, बहुत अच्छा माहौल रहता है वैसे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो आराम से आप बैठो पढ़ाई वढ़ाई करके, एंड देन यहाँ पे आके खाना खा सकते हो। सो यार लाइब्रेरी से वापस आ चुका है हॉस्टल, एंड लॉन्ड्री के लिए कपड़े दिए थे तो कपड़े भी वापस लेके आ गया हूँ, एंड अब चलते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान बन रहा है तो वो भी आपको दिखाते हैं, बने रहो वीडियो में। सो यार नाउ इट्स टाइम टू गो टू जिम, तो अभी जिम जा रहे हैं बेसिकली, एंड थोड़ा सा टाइम कम है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना बाहर जाना है थोड़ा सा, तो उस वजह से टाइम थोड़ा सा कम है, तो 2-3 एक्सरसाइज करने का ट्राई करेंगे बट इंटेंसिटी हाई रखेंगे। तो चलो जिम में जाके मिलते हैं आपसे। तो
स्क्वायर वर्कआउट डन हो चुका है एंड काफ़ी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया, थोड़ा सा टाइम कम था बट इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रही, देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड अब चल के ऊपर नहाते हैं एंड देन फिर आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो बने रहो। फाइनली रेडी हो चुके हैं एंड अब जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, विनायक किधर जा रहे हैं हम लोग? आज हम जा रहे हैं पार्टी करने, फाइनल ट्रीट। सर बेसिकली फाइनल ट्रीट ये है कि मतलब कॉलेज खत्म होने वाला है ऑब्वियसली, तो हमारे जितने भी हॉस्टल 9 के केमिकल वाले लोग थे वो लोग सारे मिलके पार्टी कर रहे हैं। विनायक इज एन एक्सेप्शन क्योंकि वो ब्रांच चेंज उसने कर लिया था भाई, काफी बचाओ बंदा है विनायक, तो चलो वहाँ चल के मिलते हैं। तो चलो वहाँ चल के मिलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी मजा आने वाला है, तो वो भी आपको दिखाता है। फाइनली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, म्यूजिक बहुत लाउड है तो पता नहीं आवाज आ रही है नहीं, एंड माहौल अपनी पार्टी कंप्लीट हो चुकी है। काफी एंटरटेनिंग और काफी जबरदस्त माहौल है एंड विशाल को भी गर्मी लग रही है, बट गर्मी है अंदर, अच्छा एसी चल रहा है बट बहुत जबरदस्त माहौल है यार। एंड अब यहाँ से क्या बोल रहे हो विपुल भाई? गौरव का बर्थडे है अभी, उसका जीपीएल होगा। चलो जीपीएल लेते हैं, अभी जीपीएल लेते हैं, जीपीएल लेते हैं। अरे यहाँ लोगे क्या? तो गाइस फाइनली पार्टी ओवर हो चुकी है एंड बहुत ही क्रेजी और बहुत ही मजा आया। सूरज से मजा आया बहुत एंड तन्मय विनायक मजा आया, मजा तो आया। और इसकी टीम भी जीत गई तन्मय की, बटलर ने सेंचुरी मार दी भाई जबरदस्त, तो लगी जोश में आ गया। जब राजस्थान जीती था लगी जोश में आ गया तन्मय। एंड चलो अब इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? तो फाइनली यार कैंपस वापस आ चुके हैं एंड यही तक था ये व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर आपको ऐसे व्लॉग्स और चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताना। बाय बाय।